नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल एग्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, जब बात आती है एग्जोटिक प्लांट की केयर की, तो यदि विदेशी प्लांट है तो विदेशी तरीके से केयर भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपके टेरेस को और आपके प्लांट को एकदम खुशहाल बनाए रखेंगे। दोस्तों, मोस्टली लोग टेरेस पे ही गार्डनिंग करते हैं और अपने प्लांट को कुछ इस तरीके से एक सुविधा देते हैं प्लांट को, क्योंकि सभी को पता है कि प्लांट को टेरेस की सरफेस पे सटा के नहीं रखना चाहिए। इसके कई रीज़न हो जाते हैं, जैसे गंदगी इकट्ठा हो जाती है, उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, देखिए ये जो पोट है, इस पोट को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उसके नीचे के जो ड्रेनेज होल हैं वो बंद ना हों। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद जब गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो देखिए इस तरीके से, मैंने तो एक सीडलिंग के ऊपर ही रखा हुआ है, ये सीडलिंग ट्रे थी तो उसके ऊपर रखा हुआ है, उसमें भी गंदगी जमा हो जाती है कुछ समय के बाद, और अंत में परिणाम निकलता है ड्रेनेज होल का ब्लॉक होना, और वही हमारे अडेनियम प्लांट के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने इस तरीके के कुछ स्टैंड बनाए थे अपने अडेनियम प्लांट्स को टेरेस से ऊंचाई बनाकर रखने के लिए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी हुआ था। ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से हवा जब चली तो ये पलट गए, तो उसके लिए हमने एक दूसरा उपाय निकाला है, वही हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे, और उसका फ़ायदा क्या होगा ये आने वाले समय में और आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, पिछला स्टैंड जो हमने बनवाया था वो भी ख़राब नहीं था, लेकिन क्या है कि प्लांट धीरे धीरे जब अपनी उम्र बढ़ाता है और अपना साइज बढ़ाता है, तो उसके बाद वो ऊपर से भारी हो जाता है और नीचे से स्टैंड हल्का हो जाता है, तो जिस वजह से हवा का झोंका पड़ा और हमारे अडेनियम प्लांट पलट गए, इसलिए हमने ये मंगाया है। तो अब हम इसको देखते हैं, और दोस्तों हमारे अडेनियम गार्डन के लिए तोहफा भी यही है। तो चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है। आप ये सरप्राइज है, हम देखिए क्या है इसके अंदर। और ये आपके प्लांट्स के लिए और मेरे अडेनियम प्लांट्स के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, जो हमेशा मेरे प्लांट को सुरक्षित और सेफ रखेगा। मैं अपनी वीडियो में भी कई बार इस तरह से सुरक्षा देने के लिए बता चुका हूँ। ये देखिए, बताइए क्या है ये, जल्दी से जिसको पता चल गया है कमेंट करके बताइए क्या है। ओ, अब देखिए, अब देखिए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब देखिए, अब बताइए ये किस काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके ऊपर अपने प्लांट्स रखेंगे, जो हमारी जो सरफेस होगी उससे ऊंचाई पर हमें अपना प्लांट रखना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं, तो हमारी जो टेरेस का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमने इसको ऑर्डर किया, ऑनलाइन हमने इसको मंगाया है, और इस पर हम अपने प्लांट्स के जो पॉट हैं वो रखेंगे। इससे जो हमारी टेरेस का जो टेम्परेचर है वो हमारे अडेनियम की रूट्स पर नहीं लगेगा। तो ये देखिए, अभी फ़िलहाल मैंने इतने मंगाए हैं, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और मंगाएंगे। और इसको हम कैसे अपने प्लांट्स को एडजस्ट करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही टिप्स हम आपके लिए, आपके गार्डन के लिए हमेशा लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि आपने अभी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है
तो आप कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और दोस्तों, हमारी टिप्स और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूला करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अडेनियम गार्डन में और इनको, अपने अडेनियम प्लांट्स को भेंट कर देते हैं, क्योंकि तोहफा तो ये उन्हीं के लिए है। अब देखिए दोस्तों, ये इसकी हाइट बहुत कम है, मतलब इतनी हाइट है जितनी हाइट हमें टेरेस की सरफेस से अपने प्लांट को रखना चाहिए। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे वाटर इकट्ठा हुआ है, और कुछ समय गंदगी इकट्ठी हो जाएगी तो ये ब्लॉक भी हो जाए। देखिए पानी निकला, तो ये जो ब्लॉकेज बनाते हैं तो अब ब्लॉकेज नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए टेरेस से काफ़ी ऊंचाई पर भी है और पानी इसमें से अभी निकल रहा है, लेकिन सरफेस पे जब ये रखा हुआ था तो ये पानी पूरा ड्रेन नहीं हो रहा था। तो हमारे अडेनियम प्लांट्स का रोट होने का एक ये भी कारण बन जाता है, तो इसलिए ये हमारे अडेनियम प्लांट के लिए संजीवनी का तो काम करेगा ही, आपके टेरेस को गंदगी और काई से भी बचा के रखेगा। तो इसके अंदर ना तो जो इसके होल हैं, जो ड्रेनेज होल हैं, वो कभी बंद होंगे, और ना ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होगा, ना ही आपकी टेरेस गंदगी से भरेगी, और ना ही वहाँ पर कभी काई जमेगी। तो है ना ये संजीवनी वाला काम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे अडेनियम प्लांट किस तरीके से लुक देते हैं इस स्टैंड पे रखे जाने के बाद। अब आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे जो पॉट हैं, जो सरफेस से ऊपर रखे हुए हैं, और नीचे कितना स्पेस है, इतना स्पेस काफ़ी है हमारे पॉट को टेरेस की सरफेस से ऊपर रखने के लिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसके नीचे कभी भी हम सफाई कर सकते हैं, कभी भी इसके नीचे से पानी हम वॉश कर सकते हैं, जो मिट्टी निकल जाती है थोड़ी बहुत पॉट से उसको कभी भी हम हटा सकते हैं। ये देखिए ये किस तरह का लुक दे रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सभी पॉट एक समान ऊंचाई पर हैं। ये देखिए हमारा जो ऊंचा वाला जो हमने स्टैंड बनाया था वो काफ़ी हमारा कॉस्टली भी पड़ा था, और वो थोड़ा हाइट ज़्यादा होने की वजह से इस समय वो फेल हो गए हैं, क्योंकि प्लांट अब बड़े हो गए हैं और उनका वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन पर झोंक भी पड़ जाता है हवा का। दोस्तों, आप भी अपने टेरेस पर कुछ इस तरह की व्यवस्था बना लीजिए, क्योंकि बरसात आने वाली है, और बरसात आ जाएगी तो आपका जो वाटर टेरेस से निकलने का जो रास्ता है वो ब्लॉक ना हो जाए। हमने भी अपने टेरेस की सफाई करनी आज से शुरू कर दी है, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो आप भी अपने टेरेस की सफाई और अपने अडेनियम प्लांट्स और सभी प्लांट्स को ऐसी व्यवस्था देना शुरू कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।